बड़ी खबर सेंधवा से आ रही है, जहां बहुत चर्चित मनोज ठाकरे हत्याकांड मामले में न्यायालय का फैसला आया। कुल 10 में से 3 आरोपियों को बरी किया गया, वहीं 7 को उम्र कैद की सजा हुई है। जी हां, ताराचंद राठौर और उनके पुत्र दिग्विजय सिंह सहित 7 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जरा अपडेट के साथ संदीप कुशवाहा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। संदीप जी, बड़ा फैसला। जी बिल्कुल, आज सेंधवा न्यायालय में एक बड़ा फैसला हुआ है, जिसमें द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रुपेश नाइक ने एक फैसला दिया है, जिसमें 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है, वहीं 3 आरोपियों को बरी किया गया है। यह 20 जनवरी 2019 को बलवाड़ी भाजपा मंडल अध्यक्ष के हत्या के मामले में बड़ा फैसला आया हुआ है, जिसमें ताराचंद राठौड़, विजू उर्फ विजय उर्फ दिग्विजय सिंह राठौड़, झागड़िया पावला, नाना उर्फ नानू उर्फ कैलाश, अनिल डावर, रवि भील और कालू उर्फ करण सिंह, इन 7 व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं दिलीप भील, देवलिया उर्फ ढोला भील, रेमू उर्फ रेनू भूल भील, इन 3 लोगों को बरी किया गया। एक बड़ा फैसला आया है। जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा संदीप कुशवाहा ने बताया कि ताराचंद राठौर पुत्र, उनके पुत्र दिग्विजय सिंह को उम्र कैद की सजा हुई है, वहीं 3 आरोपियों को बरी किया गया है। ये बहुचर्चित हत्याकांड था, जिसको लेकर सुगबुगाहट थी, काफी राजनीतिक तौर पे सरगर्मियां इसको लेकर तेज हुई थी और भाजपा ही का ही नेता इस मामले में शामिल निकला था, और आज न्यायालय ने फैसला सुनाया है तो ताराचंद राठौर सहित 7 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।